आज शो टाइम में एक्सप्लेन करने जा रही हैं स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1 और 2 एक साथ, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। और स्ट्रेंजर थिंग्स में जल्द से जल्द पूरा कंप्लीट करके दूसरी सीरीज भी स्टार्ट करूंगा, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं कौन सी और सीरीज एक्सप्लेन करूं, और बाकी सीरीज भी मेरे चैनल पे है, वो जाके चेकआउट करें। और अब शुरू करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के इस एपिसोड को, जहां पर हम देखते हैं यूएसए के इंडियाना स्टेट के हॉकिंस लेबोरेटरीज में, जहां पर एक साइंटिस्ट अपनी जान बचाने के लिए भागने लग रहा था। और गाइज, अगर कोई साइंटिस्ट भागे तो समझ लो उसने कोई गड़बड़ की है, और यहां पर इसने की थी। और किसी तरह का एनिमल इसके ऊपर अटैक करता है और इसको मार डालता है। और वही हम हॉकिंस टाउन के अंदर चार बच्चों को देख पाते हैं, माइक, विल, डस्टिन और लूकस, जो माइक के घर में बैठ के डंजन्स एंड ड्रैगन नाम का एक गेम खेल रहे हैं, जो बेसिकली एक बोर्ड गेम था। और गाइस, इस गेम का बहुत इंपॉर्टेंट काम है और शायद आपके यूपीएससी एग्जाम में भी आ सकता है, जहां पर इस गेम के अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, विचेस, मॉन्स्टर्स, और इनके साथ वो बच्चे गेम खेल रहे थे पिछले 10 घंटों में। और हम देखते हैं माइक की मोम उसे डांटती है कि अब गेम खत्म हो जाना चाहिए, और उसके दोस्त वहां से जाने लगते हैं। हम देखते हैं 10 घंटों से गेम खेल रहे थे बट फिर भी इनका मन नहीं भरा था, बट यहाँ से अब माइक के दोस्तों को जाना पड़ता है। और यहाँ पर डस्टिन को उसकी बहन नैन्सी पे थोड़ा क्रश है, बट यहाँ पर नैन्सी उसको बिल्कुल भाव नहीं डालती है, और वो किसी स्टीव नाम के बंदे को डेट करने लग रही थी। और गाइज, हम दोस्तों के ग्रुप में एक लड़का तो ऐसा होता ही है जिसको हर सीनियर पे क्रश होता है, तो वो डस्टिन है इस ग्रुप में। और ये बच्चे अब अपने घर जाने लगते हैं अपनी साइकिल्स पे, और यहाँ पर ल्यूकस पहले चला जाता है, डस्टिन का घर भी आ जाता है, बट विल का घर सबसे दूर था, जहां पर विल जाते समय एक अजीब से क्रीचर को देख के डरता है और उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो साइकिल से गिर जाता है। हम देखते हैं जैसे ही गिरने लगता है उसे वो अजीब से क्रीचर उसकी तरफ आते हुए दिखने लगता है, जिसको देख के वो डर के अपने घर की तरफ अपनी साइकिल छोड़ के भागने लगता है। हम देख पाते हैं उसके घर पे कोई भी नहीं था उसके डॉग को छोड़कर, और ये देख के वो डरते हुए घर के अंदर जाता है, बट हालात घर के अंदर भी सुधर नहीं रहे थे। वहां पर लाइट बार बार फ्लिकर करने लग रही थी, और ये देख के उसे डर लगता है और पीछे जाता है शेड के अंदर, जहां पर उसके पास गन थी, और वो गन को रेडी करता है कि अगर उस पर कोई अटैक करे उससे पहले वो अपने आप को डिफेंड कर सके। बट वहां पर लगा बल्ब बहुत हाई इंटेंसिटी से जलने लगता है, और तभी वहां से विल गायब हो जाता है। और हम देख पाते हैं कि वो पूरा शेड खाली था और विल को किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया है, या फिर वो यहाँ से गायब हो चुका है और शायद बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पर विल के गायब होने के बाद नेक्स्ट डे उसके भाई और उसकी मॉम जो जोनाथन और जॉयस थे ढूंढने की कोशिश करते हैं विल को, बट वो घर पे ना मिलने की वजह से उन्हें टेंशन होने लगती है। और तभी वो फोन करते हैं माइक के घर पे और पता लगाना चाहते हैं कि वो वहां पर तो नहीं है, बट ऐसा नहीं था, वो रात को ही घर आ चुका था, नियरली 8:30 बजे के आसपास। और इस मोमेंट पे उसकी मॉम को टेंशन होने लगती है, क्योंकि विल एक ऐसा बच्चा नहीं था जो किसी और के घर पे रुके या फिर ज्यादा टाइम कहीं स्पेंड करे बिना बताए, और ये सोचते समय उसकी मॉम टेंशन होने लगती है। और यहाँ पर जोनाथन की ड्यूटी थी वहां पर रुकना, बट उसने कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए अपने पार्ट टाइम जॉब पे चला गया था, जिससे जॉयस बहुत ज्यादा नाराज थी और वो ढूंढना चाहती थी विल को। बट यहाँ पर जोनाथन उनको बोलता है कि शायद वो अपने स्कूल के लिए चला गया होगा जल्दी में, और वो कहीं नहीं जाएगा इस छोटे से टाउन में। और ये कहने के बाद वहां से अपने स्कूल की तरफ जाने लगता है, जहां पर जॉयस को अभी भी डाउट था कि शायद उसके बेटे का किडनैप हो गया है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं जिम हॉपर को, जो अकेला रहता है और ये हॉकिंस पुलिस डिपार्टमेंट पे है, और बेसिकली हॉकिंस का दबंग कह सकते हैं इसे, जो अपने ऑफिस जाता है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि जॉयस आई अपने बेटे की कंप्लेन लिखाने के लिए, बट तभी उसको कोई मतलब नहीं है, उसे पहले ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि उसके लिए खाना जरूरी है। बट वहीं पर जॉयस को देखता है और कहीं ना कहीं ये उसे पहले से जानता था, तो इस वजह से उसकी रिपोर्ट लिखने के बाद बोलता है कि 99% चांस में बच्चा यहाँ वहाँ घूम रहा होता है और कोई बड़ी बात नहीं होती, और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शायद वो अपने फादर के पास चला गया हो। बट तभी जॉयस एक्सप्लेन करते हैं कि अपने फादर के पास कभी नहीं जाएगा और बहुत टाइम पहले सेपरेट हो चुके हैं और वो मेरे पास ही है, और मेरा विल दूसरे बच्चों की तरह नहीं है, और कुछ बच्चे उसे बुली भी करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है दूसरे बच्चों से और वो घर के बाहर नहीं जाएगा। और यहाँ पर हॉपर फिर भी उसकी बात पे यकीन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, और उसे लगता है कि हॉकिंस टाउन में हो क्या सकता है इतना बड़ा, वो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त के घर चला गया होगा या फिर बाहर गया होगा, और कुछ नहीं हो सकता है। और यहाँ से जॉयस को भेजने की कोशिश करता है कि वो शायद अपने एक्स हस्बैंड से बात करे इस बारे में, और हम देखते हैं जॉयस के पास कोई और चारा नहीं था कंप्लेन कराने के बाद घर जाने के सिवाय। और अब हम स्कूल में माइक, डस्टन और लूकस को देखते हैं, जिसे कुछ बच्चे बुली करने का भी ट्राई करते हैं, बट ये तीनों इतने नर्ड हैं कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता कोई इन्हें बुली कर रहा है, और उसको इग्नोर करते हुए अपनी क्लास के लिए जाने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं नैन्सी को अपनी बेस्ट फ्रेंड बारबरा के साथ में,
और यहाँ पर ये दोनों स्टीव की बातें करने लग रहे थे, जहां पर बारबरा को स्टीव ज्यादा पसंद नहीं है और उसके दोस्त टॉमी बाकी सब तो बिल्कुल भी नहीं, और यहाँ पर नैन्सी की वजह से उसे भी उनसे बातें करनी पड़ती थी। और यहाँ नैन्सी को पर्सनली मिलने के लिए बुलाता है स्टीव और जाते ही दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। बट यहाँ पर नैन्सी को अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, इसलिए वो कहती है कि वो पढ़ाई के लिए उससे मिल सकती है, ना कि इन सब चीजों के लिए। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है और प्रॉमिस करती है शाम को स्टडी डेट पे मिलने के लिए। और ये देख के स्टीव तो खुश हो जाता है, इस लड़के को पढ़ने से ज्यादा बाकी सब चीजों में इंटरेस्ट है और यहाँ पर नैन्सी को पढ़ने में। बट इन दोनों की बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री लग रही है, जो बारबरा को बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब माइक डस्टन और लूकस अपनी क्लास खत्म होने के बाद भी अपने टीचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पर वो रेडियो सिग्नल से बात करने का ट्राई करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर ये नर्ड बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपने टीचर के साथ। और गाइस ये मोमेंट मैंने कभी नहीं बताया अपने टीचर के साथ, बिकॉज मैं बैक बेंचर था। और यहाँ पर पुलिस आ चुकी थी इन तीनों से पूछताछ करने के लिए विल के बारे में, और यहाँ पर विल के बारे में बताने लगते हैं कि अपने घर जा रहा था, उन्हें बस इतना ही पता है। बट यहाँ पर ये बकवास करे जा रहे हैं, जिसको देख के होपर को गुस्सा आता है और इनको डांटता है और बोलता है कि तुम कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, घर के बाहर नहीं निकलोगे और तुम्हारे दोस्त को हम ढूंढेंगे, और ये बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। माइक डस्टिन और लूकस हेल्प करना चाहते हैं अपने दोस्त को ढूंढवाने में, बट यहाँ पर पुलिस ने उसे साफ मना किया था कि वो अपनी साइकिल में यहाँ घूमने के लिए ना निकले और अपने घर पर ही रहें। और ये कहने के बाद तीनों डर के चुप हो जाते हैं। बट मुझे लगता है गाइस ये कुछ तो खुराफाती करेंगे अपने दोस्त को बचाने के लिए। और यहाँ जॉयस अपने बेटे को ढूंढने के लिए जंगलों में आ गई थी और उसे उसका पुराना लकड़ी से बना हुआ कैसल दिखाई देता है, जिसके अंदर जाके वो देखती है अपने बेटे विल को और उसके साथ बिताई हुई मेमोरीज को याद करने लगती है। बट गाइस ये सिर्फ मेमोरीज थी, वो रियल में यहाँ पर नहीं था, और ये देख के निराश होने लगती है और अपने बड़े बेटे जोनाथन के साथ उसे यहाँ आवाज लगाने लगती है और ढूंढने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब स्कूल टाइम के बाद भी वो घर तक नहीं पहुंचा था तो शायद उसके साथ कोई गड़बड़ है। और वो सोचते हुए जॉयस को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और अब हम देखते हैं हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी के अंदर, यहाँ पर मिस्टर ब्रेनर के पास एक टीम आई है और यहाँ पर इस पूरे एरिया को क्वारंटाइन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई थी, जिसे हमने पहले सीन में भी देखा था। और यहाँ पर किसी तरह का क्रीचर यहाँ पर आ चुका है एक पोर्टल से और पता करते हैं कि वहां से एक लड़की भी गायब हो चुकी है और उसको पकड़ के वापस लाना होगा। और ये सोचते हुए वो एक पोर्टल को देख पाते हैं, जो जमीन के अंदर से एक लिक्विड स्लाइमिंग गेटवे लग रहा था। और वही हम देखते हैं एक लड़की को जंगलों के अंदर, जो बिल्कुल टकली थी शाकाल की तरह। My friends, welcome. और यहाँ पर डरे हुए जाने लग रही थी एक रेस्टोरेंट के अंदर और जाकर वहां से खाने लगती है फ्राइज छुप छुप के। बट उसका ओनर उसे देखते उसे पकड़ने के लिए भागता है, क्योंकि वो चोरी करके खा रही थी। बट हम देखते हैं यहाँ से भागते हुए उसे पकड़कर उससे पूछताछ करने लगता है, तो उसे पता चलता है तो एक लड़की है जो हॉस्पिटल के कपड़ों में है, उसके हेड भी शेव कर रखा है, तो शायद इसके साथ कोई गड़बड़ होगी। और उसको वहीं पर रोककर उसे खिलाने लगता है, बट उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने लगता है। बट हम देखते हैं ये लड़की बहुत बुरी तरह से डरी हुई है और यहाँ तक कि अपना नाम नहीं बता पा रही है। बट जैसे उसे खाना छीनता है, उससे पूछने लगता है उसके बारे में, जहाँ पर अपना नाम बेनी बताता है। और वहाँ पर उस लड़की से पूछने लगता है कि उसका नाम क्या है, बट वो कुछ जवाब नहीं दे पाती और उसके हाथ पे लिखा हुआ था 011 और ये 11 था। हम देखते ये देख के उसको लगता है कि बच्चे के हाथ में टैटू किसने लगाया होगा। बट खाने के लिए ये लड़की अपना नाम 11 बताती है और यहाँ पर बेनी नाम का ये रेस्टोरेंट ओनर उसे खाने के लिए दे भी देता है। और यहाँ पर सोशल सर्विसेज पे कॉल करके ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पर एक लड़की आ गई है जो बहुत बुरी तरह से डरी हुई है और प्लीज आप हमारे एड्रेस पे आके कुछ कंफर्म कर लीजिए, क्या ये किडनैप हुई है या फिर इसको अब्यूज किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं 11 नाम की लड़की को जो बैठ के खाने लग रही थी जानवरों की तरह, और इसको देख के मुझे मेरे दोस्त की याद आ गई, जो खाना देख के ऐसे टूट पड़ता है खाने पे। और यहाँ पर हम देखते हैं उसको फैन की आवाज से बहुत इरिटेशन हो रही थी और अपने एक ही लुक में उस फैन को बंद कर देती है। और ये पावर देख के गाइस मुझे लगता है कि मेरे पास होती तो रात को बल्ब बंद करके भागना नहीं पड़ता डर के। और यहाँ पर इसने पावर से पंखे को तो रोक दिया था और अपना खाना जल्दी जल्दी खाने लगती है। बट हम देखते हैं ये लड़की बहुत बुरी तरह से डरी हुई है, अकेली है इस रेस्टोरेंट में। और अब जॉयस अपने एक्स हस्बैंड से बात करने का ट्राई करती है, बट ना फोन उठा रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड उस टाइम पे उसका बार बार फोन काट रही थी। और ये देख के जॉयस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और यहाँ पर होपर इन्वेस्टिगेट करके पता लगा पा रहा था
कि उसकी साइकिल जंगलों में मिली है और वो शायद घर भी आ चुका था, बट उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये बड़ी गड़बड़ है। जहां पर वो शेड में जाके ट्राई करता है ढूंढने का, बट उसे कोई सबूत नहीं मिलता है और उसे लगता है कि विल यहीं आसपास है और रात को उसको पूरी टीम बुलानी पड़ेगी जो उसे ढूंढ सके। और यहां पर वो अपने दोस्तों को बुलाता है जहां पर वॉलंटियर करने के लिए भी लोग आ चुके थे। उनमें से एक था विल का साइंस टीचर स्कॉट, जो उससे बात करते हुए जाने लगता है। और यहाँ पर पता चलता है कि होपर की एक बेटी थी जो कुछ साल पहले मर चुकी है, जिसको अभी भी याद करता है और उसके लिए बुरा फील करता है। और यहाँ पर विल को ढूंढने के लिए जंगलों में जाने लग रहे थे जहाँ पर उन्हें अब तक विल मिला नहीं था। और वहीं हम 11 को देखते हैं जो बेनी के साथ आइसक्रीम इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पर बेनी को कोई प्रॉब्लम नहीं 11 के यहाँ साथ रहने से, बल्कि उसको अच्छी कंपनी मिल रही थी। बट तभी वहाँ पर सोशल सर्विसेज वाले आते हैं, बट गाइस रियल में तो वो उसी लैब से आए थे जहाँ से 11 भागी थी। और यहाँ पर गोली मार के बेनी को जान से मार डालते हैं। और ये देखते ही 11 अपनी जान बचाने के लिए पीछे के दरवाजे से भागने लगती है, बट तभी उसे पकड़ने का ट्राई करते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर ब्रेना आ चुके थे, बट यहाँ पर जब तक वो जाकर देखते हैं उनके दोनों गार्ड्स को मारकर वहां से 11 भाग चुकी है। जैसे कि 11 के पास कुछ ज्यादा अच्छी पावर्स है या फिर फाइटिंग स्किल्स है, जिससे इस दोनों को मारकर वो यहाँ से फिर से भाग चुकी है। और ये देख के ब्रेना को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, बट शायद वो इस मोमेंट पे कुछ कर नहीं सकता है। और वहीं रात को माइक के घर पे उसकी मॉम उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है कि रात को बाहर नहीं जाना है। पुलिस ने भी इसी बात के लिए इन्फॉर्म किया है, जहां पर डेट कैंसिल हो चुकी थी नैन्सी की। और ये देख के उसे गुस्सा आने लगता है कि अगर विल गायब ना होता तो ये चीजें होती ही नहीं। और यहाँ पर विल पे ब्लेम करने पे यहाँ पर माइक को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। और यहाँ पर विल के लिए वो टेंस्ड होता है और उसे लगता है कि और कोई उसकी फैमिली में टेंशन नहीं ले रहा है विल के गायब होने की, और शायद उसे कुछ करना पड़ेगा। इसलिए अपने वॉकी टॉकी से बात करने लगता है लूकस और डस्टिन के साथ में कि रात को 10 बजे उन्हें यहाँ से निकलना होगा और अपने दोस्त की हेल्प करनी होगी। और यहाँ से जब वो निकलने लगता है 10 बजे, तब वो देख पाता है स्टीव को, जो उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है उसकी सिस्टर से मिलने के लिए। और ये देख के माइक इग्नोर करते वहां से जाने लगता है अपने दोस्त विल की जान बचाने के लिए। और यहाँ पर रूम में सो कॉल्ड एजुकेशन लेने के लिए आ चुका था नैन्सी से, जहां पर ये दोनों थोड़ी देर तो पढ़ाई करते हैं, बीच में इंटीमेट होते हैं, बट यहाँ पर नैन्सी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करती है और यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है स्टीव के ऊपर। और यहाँ पर इनके बीच में इंटीमेसी थोड़ी थोड़ी बनती जा रही थी। और यहाँ जॉयस और जोनाथन बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे कि उनका बेटा विल नहीं मिला है, और यहाँ पर उनको मिसिंग के पोस्टर अब छपवाने पड़ेंगे और उनके पास कोई और चारा नहीं है। और वो उसको मिस करते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, बट तभी एक कॉल आता है जिसको जॉयस उठाती है और बात करने का ट्राई करती है, बट उस कॉल पे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ बारिश होने लगी थी और कॉल पर सिर्फ सांस लेने की आवाज थी। बट जॉयस समझ चुकी थी ये कोई और नहीं उसी का बेटा है और उस पे किसी ने अटैक कर दिया है और शायद उसे अब उसकी जान बचानी पड़ेगी। बट तभी फोन जल जाता है और ये देख के दोनों डरने लगते हैं कि यहाँ पर क्या गड़बड़ हो चुकी है और उसके बेटे के साथ कुछ गलत हो रहा है और उसे कुछ करना पड़ेगा अपने बेटे को बचाने के लिए। और इसी मोमेंट पे तीनों दोस्त लूकस, डस्टिन और माइक जंगलों के अंदर ढूंढने लग रहे थे विल को चिल्ला चिल्ला के, और बोल रहे थे यार प्लीज मिल जा, मैं अपनी कॉमिक भी देने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर जैसे वो ढूंढने लग रहे थे उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था इस जंगल में और वो जाने की तैयारी करते हैं, बट तभी उन्हें उस तूफानी रात में 11 दिखाई देती है। और ये देख के तीनों शौक थे कि एक लड़की इतने घने जंगल में तूफानी रात में ये यहाँ पर कर क्या रही है और ये कौन है। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं, उससे पहले जानते हैं अपने के बारे में और दूसरे चैनल के बारे में जो है GNB Live, जहां पर हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, वीडियोस डालते हैं और मिमिक्री की वीडियोस आती रहती हैं, तो प्लीज उसको जाके चेकआउट करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2, जहां माइक लूकस और डस्टिन लेके आ चुके थे 11 को अपने घर पे। और यहां पर माइक को टेंशन हो रही है और इस मोमेंट पे लूकस और डस्टिन को लगता है कि शायद पागल है, इसको यहां पर नहीं लाना चाहिए था। और यहाँ पर 11 उनसे कोई भी बात नहीं कर रही है, डरी हुई है। और यहाँ पर माइक उसे कपड़े लाकर देता है चेंज करने के लिए और वो उन्हीं के सामने चेंज करने की कोशिश करती है, बट वो तीनों उसे उसको रोकते हैं और बाथरूम की तरफ ले जाते हैं। बट यहाँ पर अकेले रहने से डर रही थी 11 बार बार, और ये देख के लूकस को तो पक्का लगता है कि ये पूरी पागल है और खतरनाक भी। बट यहाँ पर माइक को ऐसा नहीं लगता है और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को जाके क्या बताएंगे, उन्हें लड़की जंगलों में मिली है और वो रात को करने क्या गए थे जब उनको साफ मना किया गया था बाहर जाने के लिए, तो शायद वो उल्टा फंस जाएंगे। इससे बेटर है कि वो कल सुबह इसको बाहर के रास्ते से घर पे लेकर आए, जैसे कि ये हमारे से हेल्प मांगने के लिए आई है, तब तक के लिए हम सब सेफ रहेंगे। और अगर हम पकड़े गए तो शायद हम फिर से विल को ढूंढने के लिए बाहर नहीं जा पाएंगे,
तो इसके लिए बेटर रहेगा कि आज रात ये माइक के घर पे ही रहे। और यहाँ पर ये माइक एक्सप्लेन करते हुए ल्यूकस और डस्टिन को समझाता है और उनको यहाँ से लेकर जाता है और अकेले में 11 से बात करने का ट्राई करता है कि उसका नाम क्या है। जहाँ पर अपना नाम हाथ पे लिखा हुआ 011 दिखाती है 11, और ये देख के माइक हैरान था कि एक बच्चे के हाथ में टैटू है। और यहाँ पर वो अपने आप को माइक इंट्रोड्यूस करता है और उसके बाद वहां पर उसको सोने के लिए कहकर चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी 11, किसी और के घर में थी और इस टाइम पे उसने एक खून होते हुए देख लिया था बेनी का। और अब अगले दिन माइक अपना ब्रेकफास्ट छुपाकर एल के लिए जाने लगता है, जहाँ पर वो एल को समझाने लगता है कि ब्रेकफास्ट खा लो और पीछे के दरवाजे से जाके फ्रंट डोर से आना और मेरी मॉम से हेल्प मांगना, वो शायद हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करे और तुम्हारी हेल्प कर दे, बट उनको ये मत बताना कि तुम मुझे जानती हो, हम पहले कभी नहीं मिले, ऐसा बिहेव करना। बट यहाँ पर 11 ये बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और वो इशारों में बताती है कि उसके पीछे बुरे लोग पड़े हुए हैं और वो खतरनाक हो सकता है। और ये सब सुनने के बाद माइक को समझ नहीं आ रहा है कि अब वो आगे क्या करे, बट उसी मोमेंट पे उसको स्कूल जाने का टाइम हो चुका था इसलिए वहां से वो जाने लगता है। बट वो बोल के जाता है 11 को कि वो यहाँ से बाहर ना जाए और थोड़ी ही देर में आ जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं 11 बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। और अब यही माइक स्कूल ना जाने के बदले छुपकर वेट करता है अपनी मोम के जाने का, और जैसे वो बाहर जाती हैं वो सीधा वापस घर के अंदर आ चुका था और यहाँ पर 11 के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। और यहाँ पर 11 घर को देख के बहुत ज़्यादा खुश है और अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर रही है, बट तभी उसे एक फोटोग्राफ दिखाई देती है जिसके अंदर वो विल को देख के उसकी तरफ पॉइंट आउट करती है। और ये देख के माइक को लगता है कि शायद ये हमें हेल्प कर सकती है विल को ढूंढने के लिए, बट तभी उसकी मोम वापस आ चुकी थी और ये देख के वो डरने लगता है कि वो कहाँ पर छुपा 11 को, और तभी क्लोजेट में उसको बंद करने की बात करता है। बट यहाँ पर 11 को डर लगता है अंधेरे से और अकेले रहने से, बट यहाँ पर माइक उसे प्रॉमिस करता है कि वो वापस जरूर आएगा। और वहां पर हम देखते हैं अकेले डरने लगती है क्लोजेट के अंदर 11, और यहाँ पर नीचे जाने के बाद अपनी मॉम से सॉरी बोलता है कि उसने झूठ बोला और वो घर पे रुक चुका है। और यहाँ पर वो स्कूल इसलिए नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, और उसने आपसे बात शेयर इसलिए नहीं की क्योंकि अगर आपको बता भी देता तो फिर भी आप मुझे स्कूल वापस भेजती। और यहाँ पर उसकी मॉम उसे माफ कर देती है इस बात के लिए, और उसे पता था उसका दोस्त विल गायब हो चुका है तो कहीं ना कहीं से टेंशन है उस बात की। और यहाँ पर वापस आने के बाद 11 को क्लोजेट से निकालने लगता है, और यहाँ पर 11 को नाइटमेयर्स आने लग रहे थे हॉकिंस लेबोरेटरी के, जहाँ पर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं, और वो मिस्टर ब्रेनर को अपना पापा बता रही थी। और यहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला के डर रही थी, और तभी माइक गेट खोलता है और यहाँ पर 11 रोने लग रही है उन पुराने नाइटमेयर्स को याद करके। और वहीं जॉयस को हम देखते हैं जो होपर का वेट कर रही थी, पोस्टर छपाने के लिए रेडी है, बहुत ज्यादा डरी हुई है कि उसके बेटे को क्या हुआ, उस फोन पे से उसकी सांस लेने की आवाज आई थी। बट यहाँ होपर आने के बाद एक्सप्लेन करता है कि शायद ये प्रैंक कॉल हो सकती है और ये उसका बेटा नहीं हो सकता है। बट तभी जॉयस का कहना था कि वो अपने बेटे की सांस लेने की आवाज को पहचान सकती है, जैसे कि तुम अपनी बेटी की आवाज को पहचान सकते थे। और ये कहने के बाद होपर को इमोशनल करती है, बट तभी होपर वहां से जाने लगता है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और यहाँ पर जोनाथन को स्कूल जाके पोस्टर्स लगाने उसके भाई के मिसिंग होने के, और यहाँ पर वो जाने लगता है स्कूल के अंदर, जहाँ पर नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ थी। और यहाँ पर रात में पार्टी की प्लानिंग है स्टीव के घर पे क्योंकि उसके पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं। और यहाँ पर बारबरा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, बट नैन्सी कहने पे शायद अब उसे उसके साथ जाना पड़ सकता है। और यहाँ पर जोनाथन से मिलती है नैन्सी और उसके भाई के लिए प्रे करती है कि वो शायद जल्दी वापस आ जाए और जहाँ भी वो गया है। बट हम देखते हैं जोनाथन को ज़्यादा बिलीव नहीं है क्योंकि उसके कोई स्कूल में ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं थे, और यहाँ पर स्टीव और उसके दोस्त उसका वैसे भी मजाक उड़ा रहे थे। हम देखते हैं इस मोमेंट पे जोनाथन पोस्ट लगा के वहां से जाने लगता है सिटी की तरफ, जहाँ पर वो अपने डैड से मिलके पता लगाएगा बिल के बारे में। और अब हम हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी के अंदर देखते हैं डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर को, जो सारी कॉल को सुनने लग रहे थे और जितने भी कॉल्स हॉकिंस टाउन में होती है उन सबको लोग मॉनिटर करते हैं कि वो बात क्या कर रहे हैं। जहां पर जॉयस की पुलिस स्टेशन वाली कॉल को सुन के समझ पाते हैं कि जॉयस को पता चल चुका है कि उसको उसके बेटे की आवाज आ रही है और वो डरा हुआ है, और यहाँ पर वो होपर से बात करना चाह रही थी। और ये सारी बातें सुन के समझते हैं कि कोई तो चीज है जो कॉन्टेक्ट करना चाह रही है जॉयस से, और वो उन्हें पता लगाना पड़ेगा। और जैसे ही जॉयस अपने घर से बाहर जाती है एक नया फोन खरीदने के लिए, पूरी टीम उसके घर पे इन्वेस्टिगेशन करने आ चुकी थी। और इस मोमेंट पे हम जॉयस को देख पाते हैं जो अपने जॉब करने वाली प्लेस में जाकर एक फोन खरीदती है नया, क्योंकि उसका पुराना फोन खराब हो चुका है, और रिक्वेस्ट करती है कि उसको 2 हफ्ते के पैसे पहले ही दे दे क्योंकि उसकी सारे पैसे पोस्टर्स और बाकी चीजों में खत्म हो चुके हैं और अब उसकी हालत खराब हो चुकी है क्योंकि उसका बेटा विल मिल नहीं रहा है।
और यहाँ पर उसका बॉस उसे 2 हफ्ते के एक्स्ट्रा पैसे देकर और फोन के साथ घर भेज देता है। बट इस मोमेंट तक लेबोरेटरी वालों की स्पेशल टीम वहां पर आके इन्वेस्टिगेट करती है और वहां पर एक स्लाइमी थिंग उनको उस शेड के अंदर नजर आती है, जो कहीं ना कहीं उसी पोर्टल जैसी दिख रही थी जो हॉकिंस लेबोरेटरी के बेसमेंट में था। और अब यहीं पर होपर सब लोगों के साथ मिलकर ढूंढने का ट्राई कर रहा था बिल को, बट तभी उसे कॉल आता है और पता चलता है बेनी नाम के बंदे की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर बेनी अपना रेस्टोरेंट चलाता था और यहीं पर पहले 11 आई थी। हम देखते हैं उसी के हाथ में गन दे रखी थी और शायद उसने खुद को खत्म कर लिया है, ऐसी स्टोरी थी। बट यहाँ पर होपर को बिल्कुल यकीन नहीं होता है क्योंकि वो बेनी को जानता था और वो उसका दोस्त था। उस बार में नॉर्मली आने वाले लोगों को बुलाकर पूछताछ करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कल बेनी के पास एक लड़का आया था जो उसका खाना चुरा के भाग रहा था किचन में से, और बेनी ने उसको पकड़ लिया बट उसको बाद में खाना भी दिया। और ये सोचते हुए होपर को लगता है शायद ये विल हो सकता है, बट तभी फोटो दिखाने पे वो बूढ़ा इंसान बोलता है ये तो विल है, मैं इसके डैड को भी जानता हूँ, बट ये बच्चा नहीं था, उसके तो बिल्कुल बाल नहीं थे। और यहाँ पर होपर को लगता है कि शायद ये विल ही था जिसको बेनी ने पकड़ा था। बट यहाँ पर अब बेनी की मौत हो चुकी है तो केस थोड़ा ट्विस्टेड है, कोई तो और गड़बड़ चलने लग रही है इस टाउन में जिसको उसे पता लगाना पड़ेगा। और यहाँ स्कूल में डस्टिन और लुकस दोनों टेंशन में थे कि आज माइक भी स्कूल नहीं आया, शायद वो पकड़ा गया है और शायद उनके पेरेंट्स तक ये बात पहुंच गई तो शायद उन्हें पनिश किया जाएगा और घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। बट तभी उन्हें लगता है कि माइक हमारा नाम नहीं लेगा, वो एक अच्छा दोस्त है, और इस टेंशन में वापस घर जाने लगते हैं स्कूल से। और उसी मोमेंट पे हम जॉयस को देख पाते हैं जो अपने घर वापस आ चुकी थी और आने के बाद फोन कनेक्ट करती है नया और फोन के पास बैठ जाती है क्योंकि उसे वेट करना था उसके बेटे के फोन आने का। और यहाँ पर जॉयस बहुत बुरी तरह से डरी हुई है क्योंकि वो सिंगल मॉम है और उसके पास कोई होप नहीं है अगर उसके बेटे को कुछ हो गया तो। और वही हम देखते हैं जोनाथन को जो सिटी में अपने डैड से मिलने के लिए जाता है, जो एक तरह का डूश बैग है जिसे कोई मतलब नहीं है उसके बेटे गायब होने का। और यहाँ पर पता चलता है कि उसने उसे ना ही किडनैप किया है ना ही कोई कॉन्टैक्ट किया है। और ये देखने के बाद वहां से जाने लगता है वापस जोनाथन, बट उसका डैड कहता है कि तुम्हें सिटी में आ जाना चाहिए उस टाउन को छोड़कर और शायद हमारे कॉन्टैक्ट और अच्छे हो जाए। बट यहाँ पर जोनाथन अपने डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वहां से वापस जाने लगता है टाउन की तरफ। और यही डस्टिन और ल्यूकस आ चुके थे माइक से मिलने के लिए, जहां पर माइक ने प्लान चेंज कर दिया था, जहां पर वो अपनी मॉम से नहीं मिलाने वाला है एल को। और उसका प्लान सुनते ही डस्टिन और लुकस को डर लगने लगता है कि कोई गड़बड़ हो सकती है। बट तभी माइक एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है कि ये विल को पहचानती है और ये वहीं पर मिली है जहां पर विल गायब हुआ था और इसके पीछे कुछ बुरे लोग पड़े हुए हैं। और यहां पर गन का सिंबल करके दिखाता है कि शायद कोई बड़ी गड़बड़ है और इसकी जान को भी खतरा है। बट यहां पर लुकस कुछ भी ना सुनते वहां से जाने लगता है उसकी मॉम को सब कुछ बताने के लिए, बट तभी गेट अपने आप बंद होने लगता है और यहां पर लॉक हो चुका था। और पता चलता है कि 11 के पास कुछ सुपर पावर्स हैं और वो दूर से ही चीजों को बंद कर सकती है। और ये देख के दोनों डस्टिन और लुकस डर चुके थे और इस मोमेंट पे माइक भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। बट यहाँ पर वो सब एल की बात मानते हुए उनके पेरेंट्स को और बड़े लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। और यहाँ नैन्सी बारबरा को लेके जाना चाहती है पार्टी में, जहां पर बारबरा को स्टीव और उसके दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट यहाँ पर नैन्सी के कहने पे उसे साथ जाना पड़ता है और वो पार्टी को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रही थी, उसे ये सब बहुत ज्यादा ओवर लगने लगता है। और तभी एक कैन को खोलते टाइम बारबरा के हाथ पे एक कट आता है जिससे बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। और ये देख के बारबरा को थोड़ा गुस्सा आ रहा था, बट नैन्सी एक कपड़े से उसका हाथ बांधती है और अपनी पार्टी को पूरा इंजॉय कर रही थी, जहां पर वो पानी में कूद रहे हैं, खेल रहे हैं और ड्रिंक करने लग रहे थे। और ये देख के बारबरा अब सिर्फ घर जाना चाहती थी। और यहाँ पर जोनाथन जो उसी रास्ते से वापस टाउन के अंदर आने लग रहा था, बट तभी वो अपनी गाड़ी को रोकता है उस पोर्ट पे जहां पर उसका भाई गायब हुआ था और वहां पर कुछ फोटो लेने लगता है। बट तभी उसको चिल्लाने की और हंसने की ज्यादा तेज आवाजें आने लगती हैं, जिसे देख के वो भागते हुए जाता है टीव के घर के बैकयार्ड में और वो देख पाता है इन सब लोग को पार्टी करते हुए और उनकी फोटो क्लिक करने लगता है और ये उनकी परमिशन के बगैर उनकी फोटोज लेने लग रहा था। और यहाँ पर बारबरा को छोड़ के नैन्सी अंदर जाने लगती है अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए। और यहाँ पर बारबरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे लगता है कि स्टीव इसके ऊपर कोई एडवांटेज ले सकता है। बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं बारबरा को जाने के लिए कहती है नैन्सी और उसको अब बारबरा की कोई टेंशन ही नहीं है। और ये देख के बारबरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाहर अकेली बैठने लगती है जहाँ पर उसके हाथ से अभी भी खून गिर रहा था। बट तभी हम देख पाते हैं कोई मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ से वो गायब हो चुकी थी। और ये देख के जोनाथन कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वहां पर वो उन सब चीजों के फोटो खींच रहा था और नेक्स्ट फोटो में उसे दिखाई देता है कि सब लोग पूल पार्टी को छोड़ के शायद घर के अंदर जा चुके हैं। और अब
इसी मोमेंट पे 11 से क्वेश्चन पूछने लगता है माइक और उसके दोस्त की विल कहां पर है और अगर तुम्हें पता है तो तुम हमारी हेल्प करो। और तभी वो उसके डंजन्स एंड ड्रैगन वाले बोर्ड को उल्टा फ्लिप करते हुए एक कैरेक्टर को बीच में रखती है और बोलते ये विल है और यहाँ पर ये छुपने लग रहा है। बट तभी माइक को लगता है शायद ये वही लोग होंगे जिससे 11 छुपने लग रही है। बट तभी 11 एक मॉन्स्ट्रस फिगर उसके साइड में रखती है और इससे एक्सप्लेन होता है कि बैड गाइस विल के पीछे नहीं पड़े हैं बल्कि कोई और चीज है और ये देख के वो डर चुके हैं और उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि विल की जान कैसे बचाएं। और उसी मोमेंट पे विल के घर पे उसकी मॉम जॉयस फोन को लिए सुबह से बैठी हुई है और तभी उसका फोन बजता है और यहाँ से विल की आवाज थी जो मॉम कह रहा था और बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। और ये सुनने के बाद उसकी मॉम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और डरी हुई थी और यहाँ पर फोन फिर से खराब हो चुका था और ये देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। बट तभी उसके घर पे अजीब अजीब हरकतें शुरू होती है जहां पर लाइट बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज में आने लगती है और ये देख के वो विल के रूम की तरफ जाने लगती है जहां पर अपने आप म्यूजिक प्लेयर बजने लगा था और यहाँ पर उसे नजर आता है दीवार से बाहर आता हुआ एक फिगर और ये देख के डरने लगती है जॉयस और घर के बाहर भागती है और वापस आती है थोड़ी देर में कि उसको कोई मतलब नहीं है वो किसी से भी लड़ जाएगी अपने बेटे को बचाने के लिए। बट जब तक वो अपने रूम में जाती है तब वहां पर कुछ भी नहीं था और ये देख के उसको इमोशनली ब्रेकडाउन होने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस विल कहां पर है और यहां पर क्या 11 उसकी हेल्प कर पाएगी और यहां पर बारबरा के साथ क्या हुआ और ये किसने अटैक किया है और नैन्सी इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है ये सब देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय सायोनारा टाटा।